इन्हें नोक छमे मारेगी दोनों ने घेर घेर के। अब हमारी तरफ से तो एमएलए साहब जीत रही है और कौन कांग्रेस भाई ज्यादा नहीं 2-4 हजार सो ही होगी। अब कहते भाई जब 30-40 हजार वोट वही बिकाट रहा है। मेरा आइडिया से मुख्तार जीतेगा ये पता ना मोर कितनी जीता है आप बताइए। अब मेरी वही राय है जो या की है मुख्तार जीत को हमारी नहीं घास होता मुख्तार जीत को कम से कम जीत को 15 हजार अंश या गांव ले या गांव सब मुख्तार गई एक बिना गई जायदा की काई की जायदा काई की बिना गई एक जायदा की एक बिना गई सब मुख्तार गई है। मैं इसे सामने बुलाओ शर्त लगाता हूँ मैं 50-50 हजार की लगवा ये गलत चीज है काटनी लगा मुख्तार की जाति दिख रही है भाई। 58 का लड़का था वो नुकरा मैं गंगा जल की कसम खा रहा हूँ मैं हाथी देख आया हूँ सब कुण वो तो इसलिए शकील लोग मिले 10-5 वोट और कुछ मुख्तार वाली जो वोट है ना वे बल्ला पे काफी जा रही है। हाँ ऊपर नीचे है ना मेहरबानी पे बिंदे ही ना हाँ हाँ ये बहुत हाँ बहुत खराब वोट होंगी यहाँ पे मुख्तार की। तो कौन जीत भाई हमारा आंकड़ा से हम जायदाद जिताई बैठा हम तो भैया आगे मालिक जाने। नमस्कार इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं चुनाव जो है वो हो चुका है यानी कि 25 नवंबर को वोट डल चुकी हैं और मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को होनी है। अब ये जनता जो वोट कास्ट करके आई है वो कहाँ करके आई है वो बात उनके मन की है लेकिन ये लोग किसको जीता हुआ मान रहे हैं वो बात यहाँ है कि वो लोग किस तरह के आंकड़े लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जनता की जो राय है वो सुनने के बाद आपको जो एक एग्जिट पोल दिखाना है उसके लिए ये जो मेहनत है वो चल रही है। DTV का कैमरा जो है वो जगह जगह जो जा रहा है वहाँ से ये सारे जो बातें हैं वो उसको कलेक्ट करके आप लोगों को दिखाना है कि इस इलाके में सबसे 99% के अब के बार कौन यहाँ से विधायक हो सकता है कितनी वोटों से हो सकता है उस सारी बातों पर चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले जनता से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ वोट जो हैं डाल के आए हैं किसको जिता के बैठे हैं कितने वोटों से जिता के बैठे हैं वो सारी बातें उनसे करेंगे। क्या नाम है जी? वाजपेयी का। मेरा नाम आजाद है जी। आजाद कौन जीत रहा? अब हमारी तरफ से तो एमएलए साहब जीत रही है और कौन कांग्रेस जीत रही है। हाँ अब ये बताइए कि गांव का कितना वोट डला है? गांव का 1300 वोट डला है जिसमें 1200 लगा लो 1300 लगा लो। सबसे ज्यादा वोट किसने लिया है? सबसे ज्यादा एमएलए साहब ने लिया है। कितने वोट? 900 वोट कम से कम। अच्छा जी। और बाकी? बाकी भाई दोनों में बट गई मोहम्मद को और इसको मुख्तार भाई को। मुख्तार ने कितने लिए? मुख्तार ने लिए होंगे 100-125 वोट। 100-125 वोट बाकी मोहम्मद ने। उसका मतलब ये है कि नोक्षम सीए से ज्यादा रही है जी। 300 वोटों के आसपास है। 250-300 वोट दोनों आदमियों पे। अच्छा हाँ 350 हो सकती है। ये अंदाजा है अपना। ये आपका अंदाजा? अंदाजा नहीं पूरी पूरी वोट दिवाई है ऐसी कोई बात नहीं। काम मान रहे हैं आप जायदा के? भाई ज्यादा नहीं 2-4 हजार सो ही होगी। अब कहते भाई जब 30-40 हजार वोट वही बिकाट रहा है। कितने टोटल कितनी वोट मान रहे हो कितनी आ जाएंगे कहाँ से? हर गांव में सर्वे कर रहा होगा आपने भी। आप मुझे ये बताएं टोटल वोट कितना मान रहे हो कि जायदा के पास इतना वोट आ जाएगा? भाई 85 हजार तो कम से कम बहुत लंबा जी। हाँ सारी जायदाद अभी तो भाई तो चले। आप बताइए जी ये बोलो कितनी वोट किसके खाते में यहाँ मेरे गांव कठोर में। कठोर से बता दीजिए कौन? कठोर में ये मान लो मतलब आधे आधी वोट ये मुख्तार के और जायदाद के बराबर। चलिए और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं उधर भी हैं जी। आप बताइए जनाब आप बताइए नहीं आप बताइए पहले मैं ना बताऊं भाई आप आपको क्या लगा जब वो बोल रहे थे जब कह रहे थे 1.5 लाख लेंगे 2 लाख आप बता दी नहीं कांग्रेस कितनी दे रहा है इतना बता रहे हैं भाई। मो पदना में जंगल पानी बड़ा कस के थे करे कस ना मो ना कुछ कौन जीतता लग रहा है आपको ये बताइए? कोई भी जीत सके तीनों में से। तीनों में ये तो सब दिख रहा है ये तो अंधे को भी सुन पता है कि तीनों में से कौन कोई सब जीत सके तीनों में से कोई पता नहीं आइडिया जो जागी वोट देगा भाई वही लगे। तो आप अपना आइडिया बता दीजिए। मेरा आइडिया से मुख्तार जीतेगा। मुख्तार जीतेगा बस। कितनी वोट जीतेगा ये पता ना मोर कितनी जीता आप बताइए। अब मेरी वही राय है जो या की है मुख्तार की मुख्तार जीत को हमारी नहीं घास होता मुख्तार जीत को कितनी वोट कम से कम जीत को 15 हजार अंश
या गांव सब मुख्तियार गई एक भी ना गई जायदा की काई की बिना गई एक जायदा की एक बिना गई सब मुख्तियार गई है। मैं इसे सामने बुलाओ शर्त लगाता हूँ मैं 50,000 की लगवा ये गलत चीज है लगवाओ मुख्तियार की जाती दीख रही है भाई चलो वर्ष बतला चलिए और एक और नेता जैसे एकदम कुर्ता उर्ता पहन के हैं बताइए अलग क्यों है इतना दिन भाई यहाँ वोट डाले 12-76, 14-11 इनमें से जिनमें 8 से वोट जायदा की है और बाकी में 9 छमरिये हैं मुख्तियार उनमें कितना कितना कौन 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 बस 100-125 से वोट है नौ चमकी थी और तो कैंडिडेट है भाई देखे सो 10 हाथी वाला उसके लिए 5-6 वोटन क्यों मिल रही है वो चमार जाटवन का लड़का था वो नुकरा मैं गंगा जल की कसम खा रहा हूँ मैं हाथी देख आया हूँ सब कुण वो तो इसलिए शकील लुभ मिली है 10-5 वोट हाँ और कुछ मुख्तियार वाली जो वोट है ना वे बल्ला पे काफी जारी है हाँ ऊपर नीचे है ना बैरबानी पे बिंद ही ना हाँ हाँ बहुत हाँ बहुत खराब वोट होंगी यहाँ पे मुख्तियार की कौन जीत भाई हमारा आंकड़ा से हम जायदा जिताई बैठा हम तो भैया आगे मालिक जाने हाँ और का आराम से चलिए और भी लोग हैं बाइकों पे हैं उनसे बात कर लेते हैं भैया आप बताइए कहाँ जा रहे हैं कौन जीतता लग रहा है इन सब आप बताइए तो छोड़ी आप बताइए इनको कौन जीतता लग रहा है इनको हम तो गाड़ी घोड़ा से रहे हैं हमने ना पता ही कौन जीतता लग रहा है ये बताइए अरे जीत तो सभी दिखे हैं हमने तो जीतते रहो आप चाचा हमसे बात करते हैं चाचा बताएंगे कि कौन जीतता लग रहा है आपकी बात चुनाव में कामा से हमने तब ये तीनों ही बराबर से लग रहा है क्या कोई सब निकल जाए फिर भी उम्मीद जैसे कि जनता से और इलाके के लोगों से इन्हें नौ छमे मारे कि दोनों ने घेर घेर गए कितने वोटों से लग रही है कि वो जीत जाएंगे चाहे 20,000 जीत जावे चाहे कुछ कम से बढ़ जीत जाए नौ छम लेगी ना दोनों ने आपको क्या लग रहा है अंदाज यही है सब तो लोगों ने ना तह कर दिए क्योंकि आपके बीजेपी को कैंडिडेट ही आ गए तो ये दोनों जो है बराबर में रहेंगे वो अकेले निकल जाए पाँच साल से मैल हो रहा हमारी कौम की कड़ी में वो थोड़ा सा सफाई हो जाएगी सफाई हो जाएगी नोक छमावत जिंदाबाद चलिए देखिए थलचाना की जनता यहाँ सभी लोग थे सभी ने अपनी अपनी राय दी अपना मन बताया और बाबा जो है उन्होंने बताया कि नौकशम चौधरी जो है वो जीत सकती हैं और देखिए जो जिसको वोट देता है वो उसको जिताता है लेकिन कई बार ऐसे जो जैसे भी बाबा ने बताया कि उन्होंने इसलिए बताया कि जो यहाँ का जातीय समीकरण के आधार पर अगर वोट को मतलब अगर हम मानते हैं और उसके हिसाब से अगर उसको निकाला जाए तो उसका ये आधार रहता है कि हिंदू वोट जो है वो कितना है यहाँ पर मुस्लिम वोट कितना है मुस्लिम प्रत्याशी कितने हैं ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। उसी तरह इन लोगों ने बताया कि जो यहाँ का चुनाव है उसमें ये रहा कि नौकशम चौधरी इनसे आगे निकल सकती है दोनों बराबर में आ सकते हैं और इन लोगों ने बताया कि यहाँ इस गांव की अगर स्थिति बताई जाए तो मुख्तियार के जो समर्थक मुख्तियार को जिता रहे हैं जायदा के समर्थक हैं वो जायदा को जिता रहे हैं। एक चीज़ कॉमन मुझे हर जगह मिल रही है जायदा के जो समर्थक हैं वो अगर गाँव में से 1,000 वोट डलाएं तो 7 से अपनी बता रहे हैं वहीं पर अगर हम मुख्तियार के समर्थकों से बात करें तो वो भी अपनी 7 से बता रहे हैं यहाँ उलझन दोनों में है यानी कि ये मान सकते हैं कि दोनों को 50-50 दिया जा सकता है या ऊपर नीचे जो है वो बातें हो सकती हैं। तो इसी तरह का माहौल मुझे पूरे इलाके में लग रहा है इसी तरह की बातें जो हैं वो यहाँ नजर आ रही हैं। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो वहाँ सही बात है कि नौकशम चौधरी यहाँ से चुनाव में आगे बढ़त बना सकते हैं। बाकी आने वाला वक्त बताएगा और सर्वे हम आपको लगातार दिखाएंगे और एग्जिट पोल जो है उसका इंतजार आप करते रहिए लगातार बने रहिए और चुनाव जो है वो हो चुका है शांति बना के रखें जो विधायक बनता है उसको आप सम्मान करें और जो भी यहाँ से जीत के अगर आप सबका होगा और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी यहाँ से चुनाव निकालते हैं चाहे कोई भी प्रत्याशी जिन्होंने 12 में चुनाव लड़ा है जिसमें से जाहिदा खान सीएम मुख्तियार नौकशम चौधरी अगर कोई भी इन तीनों में से बन पाता है तो सभी जनता का सम्मान करे या फिर अन्य कोई भी बनता है तो वो इस जनता का जरूर सम्मान करे। लगातार मेरे साथ देखते रहे कैमरा पर्सन इस्माइल मंदाना के साथ मैं आपको अपना जो बोली डीटीवी न्यूज से धन्यवाद।